नमस्कार दोस्तों, रेल एक्सप्लेन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन जानकारी में आज जिस ट्रेन के बारे में बात करेंगे वो है तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली और MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच हफ्ते में रोज़ाना चलती है और जिसका ट्रेन नंबर है 1/26/22। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली जंक्शन और MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच हफ्ते में रोज़ाना चलती है और नई दिल्ली से MGR चेन्नई तक की जो टोटल दूरी है वो है 2182 किलोमीटर की और इस दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को वक्त लगती है 33 घंटे और 10 मिनट। एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की इस रूट पर वो है 65 किलोमीटर पर आवर और इसके 9 हॉल्ट्स हैं। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और साउथर्न रेलवे इसको ऑपरेट करती है और ये हफ्ते में रोज़ाना चलती है, वीकली ट्रेन है ये। कोचेस की बात करें तो तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही इस ट्रेन में पेंटी कार की सुविधा भी उपलब्ध है। टिकट किराए की बात करें तो मैं अभी आपको जो टिकट के प्राइसेस बताऊंगा वो न्यू दिल्ली जंक्शन से MGR चेन्नई तक की बताऊंगा। बाकी अपडेटेड किराए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट या रेलवे बुकिंग काउंटर से जरूर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, तमिलनाडु एक्सप्रेस में न्यू दिल्ली जंक्शन से MGR चेन्नई सेंट्रल तक फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 5,115 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 2,975 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 2,025 रुपये और स्लीपर क्लास के कोचेस का किराया है 775 रुपये न्यू दिल्ली जंक्शन से MGR चेन्नई सेंट्रल तक। दोस्तों, मैंने अभी आपको जो टिकट के प्राइसेस बताए हैं वो सभी सही और अपडेटेड किराए हैं। आप फिर भी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट या टिकट बुकिंग काउंटर से जरूर कंफर्म कर ले। आगे बात करेंगे तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन की टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टॉपेजेस हैं। दोस्तों, तमिलनाडु एक्सप्रेस नई दिल्ली जंक्शन से हर दिन रात के 9:05 पर रवाना होती है और 2182 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है सुबह 6:15 पर। नई दिल्ली जंक्शन से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज है आगरा कैंट, रात के 11:28 पर पहुंचती है और 11:30 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश में ट्रेन पहुँचती है रात के 1:13 पर और 1:15 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद झांसी जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है रात के 2:45 पर और 2:55 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेजेस है और 410 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। भोपाल जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है सुबह के 6:50 पर और 6:55 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद तमिलनाडु एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन पहुँचती है सुबह के 8:35 पर और 8:40 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में ये ट्रेन पहुँचती है दोपहर के 1:05 पर और 1:10 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है और 1,093 किलोमीटर की दूरी यह तय कर चुकी होती है। इसके बाद तमिलनाडु एक्सप्रेस वलसाड़ जंक्शन पहुँचती है शाम के 4:25 पर और शाम के 4:30 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। वारंगल स्टेशन ये ट्रेन पहुँचती है शाम के 7:38 पर और 7:40 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। विजयवाड़ा जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है रात के 11:20 पर और 11:30 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेजेस है और ये इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद तमिलनाडु एक्सप्रेस अपने आखिरी स्टॉपेज MGR चेन्नई सेंट्रल पहुँचती है सुबह के 6:15 पर और 2182 किलोमीटर की जो दूरी रहती है इसे कवर कर लेती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ट्रेन जानकारी की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।